आज मैं आ चुकी हूँ लखनिया वाटरफॉल। आप पीछे देख सकते हैं, अभी ये एंट्री की जगह पे पड़ता है। से हाय। हेलो। एंड इधर से अपन करते हैं एंट्री, उसके बाद फिर इधर जाना है। ये रास्ता है, फिर यहाँ पे गेट है, यहाँ से अपन एंट्री करते हैं। और ये रास्ते में ये वाटरफॉल देखिए, ओह माय गॉड, ये यहाँ का सबसे फेवरेट सीन लगता है मेरे को। बहुत ही अच्छा लोकेशन है। अगर आप लोग फोटो शूट वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं मैक्सिमम फोटो शूट तो यहीं पे करते हैं। ओके, सो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। ओके, अंदर चलते हैं। और हाँ, आते टाइम बीच में उधर लगते हैं 50 रुपए गाड़ी के भी टिकट कटता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर अरोरा के हो, लाइक जैसे हम लोग हैं, तो हमारा नहीं लगता। बट अगर आप दूर से आ रहे हो तो 50 रुपए का टोकन आपका कटेगा। चलते हैं, किधर से जाना है? हम लोगों ने वैसे शॉर्टकट ले लिया है। आते हैं तो बहुत छांव दिखेगा, बहुत छांव छांव मिलेगा। धूप में से आ रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा। आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड। कितने डिसिप्लिन्ड है वो। आज नाग पंचमी है, नाग पंचमी हो गया। हर हर महादेव। कहाँ गया? अंदर, तुम्हारे पास आएगा क्या? हाँ। तो मम्मी खुश हो गई? अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। जंगल है और क्या है, आगे क्या है। एंड यू नो व्हाट गाइस, मिर्जापुर में जितने भी वाटरफॉल है, विंडम फॉल, क्यूटी फॉल, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा वाटरफॉल यही मेरे को लगता है, सबसे बेस्ट लखनिया है, क्योंकि बहुत ही बड़े में है, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे घूम सकते हो, पिकनिक ऑफ द नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, एंड पिकनिक बना सकते हो, माउंटेन से, मतलब फुल ऑन एडवेंचरस है। राजदरी भी इज गुड, बट क्या राजदरी में ऐसा गड्ढा सा है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट ऐसे गड्ढा है तो यू कांट गो नियर दैट। आप उसके पास जाकर वो फील नहीं ले सकते, ये तो एकदम बीच में जा रहे हो, आहा क्या मजा है। गाइस, बहुत दिन से मैं सिर्फ चैलेंज वीडियोज कर रही थी, मैं कोई भी ट्रैवल वीडियोज नहीं कर रही थी, या फिर ऐसे जगहों पे नहीं आ रही थी। एंड आप लोगों ने एक्वा जंगल वाटर पार्क वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया यार, उस पर सबसे ज्यादा व्यू आए हैं, सो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, आगे भी करते रहिएगा। एंड लखनिया का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, बट मैं उस टाइम इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि पानी ना बहुत गंदा था। अभी क्या है ना, थोड़ा पानी साफ हो चुका है क्योंकि थोड़ी बारिश हो चुकी है, दैट्स वाई मैं आई हूँ, ताकि आप लोग को सबसे अच्छा व्यू दिखा सकूं। अगर आप लोग अभी आना चाहते हो तो आ सकते हो, क्योंकि व्यू बहुत ही प्यारा है एंड मौसम भी अच्छा रह रहा है, उतना धूप नहीं है। हर कुछ तो ठीक है यार, बट लिटरली गंदगी बहुत है यहाँ पे। लुक एट रैपर्स, इवन अंडरवियर तक भी यार। ये देखिए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पारुल।
ये देखिए मैडम पानी में जा रही हैं। जरा बैठने का स्टाइल तो देखो, ऐसा लग रहा है गोवा बीच पे बैठी हैं। जब से बाबू आई है तब से हम और मम्मी अच्छे से ब्लॉग में नहीं आ पा रहे हैं ना मम्मी। बाय द वे गाइस, यहाँ आज हम आए हैं एक चैलेंज वीडियो शूट करने, जो कि मेरे चैनल पे कल आ जाएगा। हाइड एंड सीक चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग भी शूट कर लूँ लखनिया का, बहुत लोगों का डिमांड था। सो अभी हम थोड़ा चैलेंज वीडियो शूट कर ले, फिर ब्लॉग में वापस आते हैं। मम्मी आपको कुछ बोलना है? बहुत दिन से आप ब्लॉग में नहीं आए। बहुत ही थोड़ा सा अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि जो धूप था सनलाइट वो कम हो रहा है। एंड यहाँ हम लुक एट, यहाँ हम थोड़ा पेड़ के नीचे हैं तो हमें छांव भी मिल रहा है। एंड लुक एट द व्यू, इट्स ब्यूटीफुल। और सबसे अच्छी बात कि मम्मी क्राउड नहीं है, इसीलिए तो हम सुबह सुबह निकलो, अब क्राउड धीरे-धीरे दूर होगा। अच्छा मम्मी, आते हाथ में पानी लेके साफ रहता है? हाँ हाँ, नहीं तो हाथ भी लेने पर साफ होगा पानी। हाथ में लो पानी, दोनों अजड़ी में। कैमरे पर पानी चला जाएगा, ठंडा। आय क्या गिरा जी, मुझे में बह ही जाता तुरंत, इतना तेज बहता पानी है। देख सकते हो यहाँ पे लिखो अंदर जाना मना, और वहाँ देखो लेमिन जुमिन आगे प्रवेश वर्जित है वहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा अंदर जाना मतलब इसके अंदर मतलब बहुत सारी डेथ हुई है, मतलब हर साल 10-15 डेथ तो हो ही जाती है। जो कुंड है उसमें बहुत ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया कि लिखा हुआ था कि आगे जाना मना है क्योंकि इधर बहुत ज्यादा डेंजरस है। एंड जो कुंड है इससे थोड़ा सा आगे है, अगर मैं 2 से 3 मिनट चलकर जाऊंगी तो वो कुंड आ जाएगा। बट यार वहाँ पे हम जाना नहीं चाहते, जहाँ पे डेंजरस है वहाँ पे क्यों ही जाना। सो अभी हम यहाँ से वापस चलते हैं, चलो। हो गया? हाँ, ताजा पानी, नारियल का पानी भी है क्या? तो तुमको पानी पीना है कि नारियल लेना है? मैं पानी पी रही हूँ। पी लो मम्मी, और मैं एक ग्लास ही पी ले रहा हूँ, तुमको एक नारियल दिला दे, पी लो एक ही ग्लास ही। मैं कोई नहीं देखेगा ना, अपना सब एक किसको नारियल भी दे दीजिए, बड़ा वाला दीजिए, छोटा वाला दे रहे हैं उसको, बड़ा वाला दे दीजिए, बड़ा वाला दे दीजिए, बड़ा वाला दे दीजिए, एक छोटा सा भी दे दीजिए। अरे ठीक है, इतना बड़ा खा 20-10 क्या? नारियल खा लो, गाइस नारियल खा लो, गाइस पानी पी लो, नारियल पानी, चलो पियो नारियल पानी, गिर जाओ। क्या कोकोनट वाटर या नारियल पानी, चाहती क्या हो? हो गए, पूरे पेड़ पे नाम लिखे हुए हैं। दीपू आर के बैक टू होम, नारियल खा लो गाइज, गाइज नारियल खा लो गाइज, नारियल है भूख मांग के खा रही हो, चलो मैं मार दूंगी, तुम मेरे पैसे का खा रही हो। मम्मी देख रही है अपना मेरा करती है, रोज वापस पैसे है तुम्हारे जेब में, एक रुपया भी नहीं। जिन लोग को नहीं पता है बता दूं, आज नाग पंचमी है और आज के दिन हम दूध और ये क्या है, पॉपकॉर्न जो भी है, चलो तुम खिलाओ, रहने दो। पॉपकॉर्न ऐसा होता है, देख लो दोस्तों इसके हिसाब से।
ये नाग देवता का पॉपकॉर्न होता है छोटा छोटा, क्योंकि वो लंबे होते हैं तो उनके मुंह में लंबा लंबा मतलब ऐसा जाएगा। सो यूं नहा धोकर ये रखने, मम्मी ने बोला है रख दो, इसे नाग देवता खाने आएंगे तो रख देते हैं। अरे यार ये जोड़ी में रखा जाता है ताकि मेल और फीमेल नाग और नागिन दोनों आए और इसे खाएं। हाथ जोड़ लिया। अरे यार हैप्पी नाग पंचमी, लेट्स गो।